सोनू निगम एक और एपिसोड आपके साथ में है। ब्रेक के बाद आपके सामने आपके रेडियो सेट्स के माध्यम से मैं आपसे फिर से बात कर रहा हूं और अब वक्त है काश के बारे में बात करने का। काश काश मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं जो मेरे साथ, जो मेरे मन में बीत रही है इस समय। सुनिए क्या हो रहा है मेरे पीछे। ये भारतीय संगीत का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते खत्म हो रहा है। जिस तरह वन्य जाति, वन प्रजाति खत्म हो रहे हैं, चीते गायब हो गए हैं, वैसे ये भी एक म्यूजिक का पहलू हो जो खत्म हो रहा है। दोस्तों, क्लासिकल मैंने बहुत सुना है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े गवैयों को, वादकों को सुना है, पर जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूं वो मैंने खुद जिंदगी में कभी नहीं सुना। एक ऐसी रेयर चीज है कि आई एम टेकिंग द चांस ऑफ प्लेइंग हार्ड कोर क्लासिकल म्यूजिक ऑन अ मॉडर्न, अ सुपरहिट, द मोस्ट सॉट आफ्टर FM चैनल कॉल्ड रेडियो सिटी। ये सुनिए आप जरा क्या हो रहा है मेरे पीछे, जरा बढ़ाइए इस वॉल्यूम को। गला सारंगी की चीज से मुकाबला कर रहा है और ये महान सिंगर्स के नाम हैं उस्ताद नजाकत अली खान साहब और उस्ताद सलामत अली खान साहब। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, अभी ध्यान दीजिएगा कि मैंने जिंदगी में कभी क्लासिकल में ऐसा होते हुए नहीं देखा ना सुना है कभी। अभी आने वाला है, ये देखिए। वापस रिवाइंड कीजिए, इसको रिवाइंड कीजिए, मैं लिसनर्स को फिर से सुनाऊंगा। ये सुनिए जरा, ये क्या किया गया है, देखिए जरा ये क्या किया गया है। लोग रॉक म्यूजिक की बात करते हैं, लोग जैज की बात करते हैं, देखिए हमारे देश में, हमारे क्लासिकल में क्या क्या निकला वो चीज है, अभी सुनिए। तो ये तो एक छोटा सा नमूना था, क्योंकि ये अगर ये चैनल या ये दुनिया क्लासिकल म्यूजिक को इतनी इज्जत और इतनी महत्व देती तो मैं आपके सामने क्लासिकल म्यूजिक ही चलाता और वही सुनाता और आपको मैं पागल बना देता कि क्लासिकल म्यूजिक का दीवाना बना देता। मैं मेरा बस चले तो मैं घर घर में जाकर शास्त्रीय म्यूजिक को शुरू करवाऊं। मैं हालांकि कोई बहुत बड़े शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि लोग जाने कि सही म्यूजिक क्या है। हम मीडियोकर म्यूजिक को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग मामूली सिंगर्स, मैं खुद बहुत मामूली सिंगर हूं, मुझ जैसे मामूली सिंगर को लोग इज्जत दे देते हैं और किसी को ये नहीं पता कि वसंत राव देशपांडे जी कौन है, किसी को ये नहीं पता कि नजाकत अली जी, सलामत अली जी क्या काम कर गए हैं, किसी को, एक आम आदमी को बड़े गुलाम अली खान साहब की गायकी नहीं पता, किसी को ये ही नहीं पता कि क्या क्या हो चुका है। ये देखिए क्या हो रहा है। उत्कर्ष फिर से रिमाइंड, फिर से रिमाइंड दीजिए उत्कर्ष, ये सुनाई लोगों को, ये सुनाई। ये देखिए, मैं कर नहीं सकता, आप इसलिए सुनिए कि हो क्या रहा है, अभी आएगा देखिए। एक एक क्रोमैटिक नोट्स को वे वाइब्रेशन लिए जा रहे हैं। ये देखिए, मैं चाहता हूं कि हम लोग सब मिलके एक बार इन सभी क्लासिकल सिंगर्स के एक्सपोनेंट्स को, और खास तौर से जिनकी वजह से मैं थोड़ा पागल हो गया हूं, नजाकत अली जी, सलामत अली जी, इनके लिए जोरदार सिर्फ मैं खड़े होकर ताली बजाना चाहता हूं। मैं जस्ट वांट टू स्टैंड अप एंड क्लैप। अब आप लीजिए ब्रेक। उम्मीद है आप बहुत ज्यादा बोर नहीं होंगे जो मैंने आपको क्लासिकल थोड़ा सुनाया है, लेकिन क्या करूं, हूं मैं सिंगर पेशे से, दिमाग से, सोच से, और किसी भी अच्छी चीज से मैं अच्छे लिसनर्स को महरूम नहीं कराना चाहता। तो हालांकि आप मॉडर्न म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपनी असलियत से, अपने रूट से दूर चले जाएं। लीजिए एक ब्रेक, फिर से मिलता हूं आपसे। आप सुन रहे हैं लाइव।